स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्पायरेशन क्या है। रेस्पायरेशन जो है, ये एक प्रोसेस है जो कहाँ पे मौजूद होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और इसमें प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सूरत में होती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और इनकी ब्रेक डाउन कैसे होती है? इनकी ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये जो है ये दिखाया गया है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और ग्लूकोज जो है ये हमारे फूड में किस तरह से मौजूद होती है? जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो उसके अंदर, यानी कि जब एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद होते हैं। और ये जो ग्लूकोज है, इसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और साथ एनर्जी बनती है। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये रेस्पायरेशन के प्रोसेस के जरिए बनती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट गए हैं और उन्होंने क्या बना दी है? सिंपल मॉलिक्यूल्स बना दी है। और सिंपल मॉलिक्यूल किस चीज के हैं? एक तो उन्होंने वाटर बनाया है और दूसरा उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बना दी है। और इसके साथ क्या चीज बन रही है? एनर्जी बन रही है। और ये एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं अपनी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज के लिए। यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? जैसे कि अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी किस तरह से आती है? वो आती है रेस्पायरेशन के जरिए से। अब अगर हम रेस्पायरेशन की ही बात करें तो दो टर्म्स होती हैं जो कि आपस में रिलेट की जाती हैं। और वो दो जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस किस तरह से है? यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेके जाते हैं सांस लेने के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी कि जब हम सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो उस टाइम अंदर जा चुकी होती है। ये जो प्रोसेस है ये ब्रीथिंग का है। और ये जो ब्रीथिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है और इसे कहा जाता है कि ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है। यानी कि इसमें क्या है? ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होती है। और इस एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में कौन सी चीजें हिस्सा लेती हैं? रेस्पायरेटरी गैसेस हिस्सा लेती हैं। और ये रेस्पायरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं? इसके अंदर रेस्पायरेटरी गैसेस ये दो हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पायरेशन की, तो सेलुलर रेस्पायरेशन वाला ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल चेंज आता है। केमिकल चेंज किस तरह से आता है? कि इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यानी कि ये केमिकल प्रोसेस है जिसके में ग्लूकोज जो है वो जो है उसको कन्वर्ट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ बनते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी की सूरत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फूड है, जब ये ईट की जाती है यानी कि खाई जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्ट होने के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है और उसके साथ एनर्जी बन गई है। और एनर्जी किस तरह से बनी है? एटीपी की सूरत में। यानी कि ये जो एटीपी है ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। और ये जो रेस्पायरेशन है, सेलुलर रेस्पायरेशन, ये ब्रीथिंग से मुख्तलिफ है। और ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है, अगर हम इसकी बात करें कि ये दो टाइप्स की होती है। अब ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है, इसकी दो टाइप्स कौन सी होती हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये हमने पढ़ा है रेस्पायरेशन के बारे में कि रेस्पायरेशन जो है वो ब्रीथिंग से किस तरह से मुख्तलिफ है और रेस्पायरेशन में क्या होता है।